गया। अगर यही सभ्यता पूरे भारत में होती तो पढ़ाना आसान होता, पूरे भारत में थी नहीं। अभी ये पहले जैसे स्टोन एज या चैल्कोलिथिक पूरे भारत में था, तो एक बार में खत्म। अब यहाँ पर क्या अलग अलग हो जाएगा सारा, ठीक है। तो जब जब एक बड़ा एम्पायर क्रिएट हुआ है ना भारत में या दुनिया के किसी भी हिस्से में, तो पढ़ाना आसान होता है। लेकिन जैसे ही डिसेंट्रलाइजेशन आता है, छोटे छोटे एम्पायर में कन्वर्ट होता है कोई देश, तो वो पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है उस समय के काल को, ठीक है। जैसे मौर्य एम्पायर था तो केवल मौर्यों को पढ़ना था। मौर्य काल के बाद अगर केवल बड़े बड़े राज्य को पढ़े तो 11 राज्य थे। अब 11 राज्यों को अलग अलग पढ़ना, ठीक है, अपने आप में इतिहास थोड़ा सा एक कठिन हो जाता है उस एरिया में जाकर के। ऐसे बहुत बार हुआ है पूरे इतिहास में, ऐसे बहुत बार हुआ है भारत के। तो पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, अब इसका एक लोग हम लोग इसको ना थोड़ा सा एक फ्रेमवर्क में टेबल फॉर्म में ले आएंगे और यहाँ पर साइट्स लिखेंगे राज्य के नाम के साथ, ठीक है। साइट्स और सॉरी ये स्टेट लिखेंगे ना, साइट्स नहीं, और उस स्टेट में कौन कौन से साइट्स हैं यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो साइट्स के नाम आपको पता चल जाएंगे इसमें। अब इस मैप पर बनाना थोड़ा सा मुश्किल था, इसलिए इसको इसके नीचे लेकर आए। स्टेट साइट, इसमें सबसे पहले हम लोग करेंगे पंजाब। पंजाब ये पाकिस्तान वाला है, ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब में। इसको स्पेस ज्यादा रखेंगे, इसमें ज्यादा साइट्स आएंगे ना, तो इसमें हड़प्पा ऐसे करके लिखना है। सरायखोला, सराय को तो खैर खोला ही जाता है बनने के बाद, ठीक है। सरायखोला एंड रहमान ढेरी, ये तीन साइट्स हैं, ठीक है। ऐसे ही लिखना है आपको। पंजाब में तीनों साइड्स आ गए, पाकिस्तान के पंजाब में। सिंध, पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो, मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो, सिंध। बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, पाकिस्तान। यहां पर सूत का गेंद हो रहा है वो, बालाकोट, सोतका को, सोतका गेंदूर, बालाकोट, सोतका को, तो ये थी तीनों पाकिस्तान वाले साइट हैं, ठीक है, पाकिस्तान वाले राज्य में है। अब इसके नीचे जो आएगा इंडिया वाले, तो यहां पर पंजाब से शुरू करेंगे, इंडिया। इसमें रोपड़ आएगा, आज का रूपनगर भी कई बार कहा जाता है रोपड़। रोपड़
ROPAR, रोपर। अब आ जाए जम्मू कश्मीर, नेक्स्ट। जम्मू कश्मीर में एकमात्र साइट है मांडा, मांडा, हाँ, चेनाब नदी के किनारे मांडा, नॉर्दर्न मोस्ट साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हरियाणा आ जाए नेक्स्ट। स्टेट हरियाणा, ये ऊपर नहीं जाता क्या, इसके स्क्रीन जाता है ना प्रीव्यू? है रोक दिया क्या किसी ने? उसमें बहुत स्मूथली जाता है, उसमें जाता है कहीं और जाता है पता नहीं, याद नहीं आ रहा। अच्छा चलिए इतना, अब क्या नहीं आएगा क्या? हैंग भी कर जा रहा है। कौन सा राज्य लिखना था? हरियाणा। हरियाणा में बनावली है, राखी गढ़ी, मीताथल, कुनाल। कुनाल, मीताथल और भगवानपुरा भी इसका साइट एक है, ठीक है, भगवानपुरा जो वैदिक साइट भी, ऋग्वेदिक साइट भी है ये भगवानपुरा। मेरठ में है लेकिन जगह का नाम बताएं। आलमगीरपुर और सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में भी एक है, उलास, हाँ, हिंडन नदी किनारे उलास, राजस्थान, कालीबंगा, ब्लैक बेंगल्स ना। कालीबंगा का मतलब ब्लैक बेंगल्स होता है, काले रंग की चूड़ियां। कौन सा राज्य बच गया? गुजरात। आई लव गुजरात बिकॉज ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के कारण से। बलूचिस्तान, बस एक ही राज्य बचा होगा, बाकी तो हो गया होगा, है एक ही बचा है ना। चलिए, गुजरात में कई साइट्स हैं, धोलावीरा, रंगपुर, लोथल, रोजदी, सूरकोटड़ा, धौलावीरा, रंगपुर, लोथल, रोजदी, सूरकोटड़ा। अब इसको एक और तरीके से हमें करना है, नदी के किनारे वाले कुछ साइट्स हैं और जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, नदियों के नाम कई बार पूछ लेते हैं ये, ठीक है, कि
हड़प्पा किस नदी किनारे है, तो मोहनजोदड़ो किस नदी के, चंद्रदड़ो किस नदी किनारे है, तो ऐसे नाम पूछ लेते हैं ये लोग हैं, तो थोड़ा सा देख लेते हैं ना उसको, साइट्स एंड रिवर नेम करके आप लोग एक टेबल बनाएंगे। साइट्स इसके किनारे पर स्थित है, रिवर नेम का मतलब ऑन द बैंक ऑफ रिवर ना। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार इसमें क्वेश्चन में फंस जाते हैं बहुत सारे लोग। चलिए शुरू करते हैं आपको हड़प्पा से, किस नदी किनारे है? हाँ चलिए, हड़प्पा रावी नदी किनारे है। मोहनजोदड़ो, किस इंडस नदी किस साइड, राइट की लेफ्ट है? लेफ्ट, आप लोग राइट और लेफ्ट को कैसे समझते हैं? जैसे ये नदी इधर बन रही है, बह रही है, तो ये लेफ्ट है कि राइट है? कौन सा लेफ्ट राइट आप समझते हैं इसमें है? ये नहीं, ये साइड कौन सा है? राइट है, ये लेफ्ट है, तो इधर बह रही है कि इधर बह रही है? नदी की दिशा जिस तरफ होती है ना, उसकी तरफ हम लोग देखते हैं और खड़े हो जाएंगे उधर से पीट करके, तो इधर राइट हो गया, इधर लेफ्ट हो गया, हमारा दिशा उधर है और नदी की दिशा भी इधर ही है, ठीक है? तो ये राइट है, ये लेफ्ट है, ठीक है? अब बताए, राइट में है, हाँ तो राइट, ठीक है। और चन्हुदड़ो, चन्हुदड़ो किस नदी किनारे है? इंडस है, किस राइट, राइट के लेफ्ट? लेफ्ट है, ये उसके अपोजिट है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर हैं दोनों, ठीक है? बात समझ में आ गई? चलिए, अच्छा सिंधु नदी तो बताया नहीं, रावी नदी तो बताया नहीं, ये हड़प्पा राइट की लेफ्ट? राइट ही है, ठीक है, हाँ। चलिए, कुछ नदियों के नाम राइट लेफ्ट बता दिया जाता है, लेकिन सारे के नाम नहीं बताए जाएंगे। चन्हुदड़ो तो हो गया है, अब उधर पंजाब हो गया, सिंध हो गया, अब बलूचिस्तान वाले पार्ट में आते हैं, तो बलूचिस्तान में आपको सबसे पहले लिख लें सूत का गेंडोर, किस नदी किनारे है? हैं, दास्क रिवर, दास्क रिवर है। चलिए कुछ के और बता दूंगा, लेकिन सबके नहीं, राइट, राइट ऑफ द, इसी तरीके सोतका को, सोतका को जो दूसरा है, सोतका को बलूचिस्तान में ही है, सोतका को सादी कौर नदी, सादी कौर, सादी भी वाला सादी, सादी कौर रिवर, सादी कौर रिवर। दैमाबाद, अगर मैं इसमें मानू तो, मतलब महाराष्ट्र में मानू तो, कि महाराष्ट्र तक इसका फैलाव रहा है, तो दैमाबाद किस नदी किनारे आएगा? ऑप्शन दे दूं, भोगवा नदी, प्रवरा, भोगवा प्रवरा, ठीक है, एंड भोगवा प्रवरा सरस्वती नर्मदा, प्रवरा है, पहुंच ही नहीं पाए आप लोग, नहीं यही नाम है प्रवरा, राइट ऑफ द प्रवरा रिवर।
चलिए कलीबंगा लिखते चले आप लोग, कलीबंगा नदी का नाम बता दे लेकिन लिख ले। घग्घर। सरस्वती, सरस्वती भी लिखना है, घग्घर ही है वो। ठीक है, कलीबंगा लिख लिया। अब आपको उसमें नदी का नाम तो लिखना है लेकिन कुछ इस तरीके से, एक तो घग्घर पुराना नाम था, आज का नाम है सॉरी, पुराना नाम सरस्वती। ऋग्वेद में यही कहा गया इस नदी को, सरस्वती, सरस्वती रिवर ना। आलमगीरपुर ये तो जानते हैं आप लोग, हाँ लिख ले आलमगीरपुर हिंडन रिवर। ये ऊपर कर दे, मतलब उंगली की हैंड नहीं जा रहा है। अरे आग जल रहा है, इसी से जाएगा ये। एक मिनट तो बहुत होता है, नहीं आ रहा। अरे क्या लिख रहे थे आप लोग, आलमगीरपुर हिंडन लिख ले, लिख लिया आलमगीरपुर हिंडन एंड राखी गढ़ी एंड बनावली, ये दोनों एक ही नदी के किनारे हैं। राखीगढ़ी एंड बनावली बताएं। घग्गर है, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हड़प्पा सभ्यता के तीन साइट्स एक ही नदी के किनारे हैं, ठीक है, और कलीबंगा दिया नहीं ना, हो गया हाँ वो। अच्छा ये हाँ, तो और क्या बचा? चिनाब, मांडा, चिनाब एंड एक और बच रहा है, वो है लोथल, भोगवा नदी के किनारे। बाकी गुजरात के कुछ और साइड जैसे सूरकोटड़ा और धौलावीरा, ये सब कच्छ के रण में है जहाँ नदियाँ डिसअपियर हो जाती हैं। ठीक है, चलिए एक और तरीका आपका, कुछ नदियों के नाम आपको मिल गए यहाँ पर फैक्चुअली, अब एक जगह पर है तो कम से कम आप पढ़ पाएंगे इसको। अब इसमें ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन देखना है हमें, देन आपके मेंस के दो टॉपिक पर आना है ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन के बाद। तो मींस के पहले टॉपिक में जो ओरिजिन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसके पीछे का जो तर्क है, रीजन है, वो क्या है, उस पर बातचीत करेंगे। एंड देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं, ये दोनों टॉपिक है आपके। कैरेक्टरिस्टिक खत्म हो जाएगा तो फिर कुछ फैक्चुअल चीजें बच जाएंगी जो लास्ट में आपको करना है, कैरेक्टरिस्टिक खत्म होने के बाद। ठीक है, हटा दो इसको, एक्सटेंशन। ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ हमें देखना है ना, ईस्ट वेस्ट के सबसे लास्ट पॉइंट को देखना है, नॉर्थ साउथ के सबसे लास्ट पॉइंट को देखना है। ठीक है, तो ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है एंड वेस्ट है। ठीक है, इन्हीं चार पॉइंट को देखना है, आपका विस्तार हो जाएगा। जैसे इंडिया की ज्योग्राफी आपने पढ़ा होगा, तो इंडिया का विस्तार आपने पढ़ा होगा कि नॉर्दर्न में कौन सा सबसे नॉर्दर्न पॉइंट है, कौन सा है, इंदिरा कोल, साउदर्न पॉइंट, ईस्टर्न पॉइंट। हाँ, और वेस्टर्न। हाँ, तो ये सब याद रख ले, पूछ लेते हैं। ठीक है, चलिए मांडा, जम्मू कश्मीर,
चिनाब नदी किनारे। ईस्टर्न पार्ट आलमगीरपुर, वेस्ट यूपी मेरठ डिस्ट्रिक्ट में है, एंड हिंडन नदी किनारे है मेरठ डिस्ट्रिक्ट में। सोधन पार्ट में दो बता रहा हूं आपको ना, दो बता रहा हूं क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। मान लेते हैं कि दूसरा ना पूछे तो एक तो रहेगा कम से कम आपके पास। तो एक है भगत राव, भगत राव किम सागर संगम कोस्ट, किम सागर संगम कोस्ट, समुद्र तट का किनारा है ये गुजरात में, और ये है दैमाबाद। अगर मैं मान लूं कि दैमाबाद आपको मानना है तो लिखना पड़ेगा ना। दैमाबाद महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी किनारे। एंड वेस्ट में बलूचिस्तान, और किस नदी किनारे है? दास नदी, दास रिवर है, और साथ ही साथ समुद्र तट का किनारा भी है, मकरान कोस्ट है। मकरान कोस्ट है। हाँ, नदी का नाम अच्छा, मतलब शोध का किंडोर नहीं लिखा, दिमाग से निकल गया, कोई बात नहीं। गुजरात, गुजरात गुजरात नहीं भूले आप लोग। दैमाबाद, प्रवरा नदी, महाराष्ट्र, दो साइट मैंने साउथ में लिखा है। अगर इन केस मान लेते हैं कि नहीं मिलता है आपको आंसर जो है दैमाबाद का, तो भगत राव आंसर आ सकता है, किम सागर संगम कोस्ट गुजरात में। दोनों आ जाए तो सिक्का उछाल करके काम करेंगे। ठीक है, लिख लिया। कभी कभी नाम नहीं याद आता है, ऐसा होता है, कोई नहीं। वो तो कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस माइंड होता है, तो कभी कभी सब कॉन्शियस में याद आते हुए भी नहीं आता है। हाँ, होता है, कई बार होता है। अब ऐसे ही एक क्लास ले रहा था, उसमें साइमन गोबैक मूवमेंट हो रहा था। साइमन गोबैक मूवमेंट के दौरान एक दिल्ली से प्रदर्शन हो रहा था दिल्ली में, उस समय तो बैलून पर साइमन गोबैक लिख करके उसको एयर फिल करके हवा में उड़ा दिया गया। वो किसने किया वो नाम नहीं याद आ रहा था, क्वेश्चन मैंने ही पूछा, नाम ही अचानक, जब पूछा था तब याद था, लेकिन जब डिस्कशन होने लगा ना, और जब बच्चे आपस में कहने लगे ये है ये है, तब उसी समय सबकॉन्सियस में चला गया वो, और बहुत देर तक नहीं याद आया मुझे। ठीक है, ऐसा होता है कई बार, बहुत देर तक नहीं याद आया, तो कुछ नहीं कर सकते आप, ऐसा हो सकता है कभी भी। एग्जाम आप दे रहे हैं, पता चला कि पेपर जब देख रहे हैं एक वन गो में, फर्स्ट गो में, तो हो सकता है बहुत सारी चीजें आपको याद हों, लेकिन जब सॉल्व करने जाएंगे हो सकता है आपको बहुत सारी चीजें भूल जाए, सब कॉन्शियस माइंड हो जाता है। वो चीजें होती हैं। जब आप मेंस का टॉपिक लिखते हैं ना, तो मेंस में क्या होता है कि आपको 10 पॉइंट आ रहे हैं, हो सकता है कि आप लिखते समय 5 पॉइंट 6 पॉइंट लिख पाए, 4 पॉइंट भूल जाए। जब आप लिखना शुरू करते तब आपके दिमाग में 10 पॉइंट होंगे, लेकिन जब आप लिखना शुरू कर देते हैं और कंप्लीट करने वाले होते हैं ना, 5 6 पॉइंट के बाद याद ही नहीं आता क्या सोच रहे थे। तो वो चीजें होती हैं, सबके साथ होती हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं कोई है, तो ये इसका विस्तार है। ठीक है, अब इसमें हमें दो टॉपिक जो है मेजर इसमें करना है,
तो हड़प्पा सभ्यता का अंत भी उसे मान लेंगे, क्योंकि उसके बाद डिक्लाइन और कुछ फैक्चुअल चीजें, बस इतनी बातें उसके बाद रह जाती हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में जो पहला सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट है वो है कि इसका डिस्प्यूटेड जो विषय रहा है वो है ओरिजिन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता के उदय के बारे में बहुत डिस्प्यूट रहा है, और इस डिस्प्यूट को लेकर के काफी बातें इसमें कही गई हैं, ठीक है। और इसको लेकर के कई थ्योरीज दी गई हैं, तो इस पर बातचीत करेंगे। और दूसरा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर, विशेषताओं पर। विशेषताओं में इनकी इकोनॉमी आ जाती है, इनका समाज आ जाता है, ठीक है, इनकी आर्ट एंड आर्किटेक्चर का जो विकास है वो आ जाता है, अर्बन प्लानिंग उसमें आ जाता है, ठीक है, ये सारी चीजें उसमें आ जाएंगी, वो कैरेक्टरिस्टिक होगा उसका, उसी को डील कर देना आपको है। उसमें बहुत सारे फैक्चुअल आएंगे, आपको लिखते समय जब ऑप्शनल पेपर में मेंस में सब्जेक्टिव लिखेंगे तब इतने फैक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, लेकिन चूंकि सब्जेक्टिव के अलावा ऑब्जेक्टिव भी देना आपको है तो इसलिए फैक्चुअल मुझे लिखाना पड़ता है उसमें मजबूरन, लेकिन उतनी चीजें नहीं लिखनी होती, कुछ कुछ चीजें आपको जस्टिफाई कर देना होता है। जैसे सोसाइटी के बारे में लिख रहे हैं तो सोसाइटी किस तरीके की रही है उसको लिख देना है, सोसाइटी में बाकी जो वर्ना सिस्टम था या नहीं था, कास्ट सिस्टम या अनटचेबिलिटी थी या नहीं थी, या स्लेवरी सिस्टम था या नहीं था, इन सब चीजों के बारे में लिख देना है बस, ठीक है। बहुत ऑथेंटिक नहीं है बट जानकारी जो मिली है उसके आधार पर चीजें चल जाती हैं। इसी तरह इकोनॉमिक बारे में लिखना है तो इकोनॉमिक बारे में एग्रीकल्चर, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड ये लोग चलाते थे, ठीक है, इन सब के बारे में, एनिमल रियरिंग, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, ये सब के बारे में लिखना है। इनके रिलीजन के बारे में, कौन सी पूजा करते थे, इमेज वॉरशिप तो पहले ही शुरू हो चुका था, ये लोग भी इमेज वॉरशिप करते थे, प्राइमरी कल्ट कौन सा था, जानवरों की पूजा करते थे, फायर ऑल्टर की पूजा करते थे, अग्निकुंड की पूजा करते थे, सारी चीजें हैं। जल का महत्व तो समझते थे, अंधविश्वासी भी थे लोग, एमुलेट्स या ताबीज वगैरह में विश्वास करते थे, ये सारी चीजें करते थे ये लोग, तो रिलीजियस लाइफ हो जाएगा। आर्ट एंड आर्किटेक्चर पर आएंगे तो बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं, उन मूर्तियों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। कला नहीं है, कला नहीं पूछा गया है, आपको सिर्फ विशेषताएं पूछी गई है, कला में नहीं जाना है, कला में जाएंगे तो इसका आंसर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, कला आपके एग्जाम में नहीं, आपके सिलेबस में नहीं है कला। हड़प्पा सभ्यता की कला जैसे यूपीएससी में है, यूपीएससी में आर्ट एंड कल्चर का पार्ट कला में आ जाता है, तो वहां पर वो है, लेकिन आपके एग्जाम में सिंपल डिस्क्रिप्शन इसको दे देना है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। इसके अलावा अर्बन प्लानिंग इसका देना है पूरा, अर्बन प्लानिंग कैसा था उनका, किस तरीके शहर बसाए, सड़कें कैसे काटती थी एक दूसरे को, फोर्टिफाइड सिटीज थी, ये सारी चीजें हैं। वाटर कंजर्वेशन कैसे किया उसमें, किस तरीके से ड्रेनेज पैटर्न था, साफ सफाई की व्यवस्था कैसी थी, ये सारी चीजें उसमें आ जाएंगी आपके, ठीक है। इसको लेकर के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखना है, तो इसमें ओरिजिन और कैरेक्टरिस्टिक ये दो बातें मेंस के टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ओरिजिन पर बातचीत करेंगे हम लोग, ठीक है, ओरिजिन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओरिजिन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता का उदय डिस्प्यूटेड विषय रहा है, और दो तरीके की थ्योरीज इसमें दी गई हैं, ठीक है, एक तो सडन ओरिजिन थ्योरी है, दूसरा ग्रेजुअल ओरिजिन थ्योरी है, दो तरीके की थ्योरीज है, और थोड़ा सा स्पेसिफाइड वे में लिखेंगे तभी आपको नंबर भी मिलेगा, जनरलाइज करके लिखेंगे नंबर नहीं मिलेगा, जनरलाइज सारे लिख लेंगे, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन में थोड़ा बड़ा करना चाहिए इसको, ग्रेजुअल ओरिजिन थ्योरी, ना एक मिनट, सडन ओरिजिन पहला लिखूं, सडन ओरिजिन, ग्रेजुअल ओरिजिन सबसे ऑथेंटिक जो है इसी को माना भी जाता है, इसीलिए इसको बाद में लिखना है, उसको लिख देना है, आलोचना कर देनी उसकी है, आलोचना करके इस पर आ जाना है, इसको आपको लिख करके मैप के थ्रू जस्टिफाई कर देना, एक मैप भी बनेगा इसमें, ठीक है। अब मैप बनाएंगे तो नंबर आएगा आपको, क्योंकि सारे लोग नहीं बनाएंगे, इतिहास अभी पढ़ना शुरू किया है, कितने मैप बना दिए मैंने, 5-6 मैप तो हो ही गया होगा, ठीक है, बनाते रहे।
धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो ज्योग्राफी के ज्ञान का मैं हिस्ट्री में इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल पेपर रहा है, मैं बता दूँ आपको, ठीक है। हिस्ट्री भी ऑप्शनल पेपर रहा है, हिस्ट्री फर्स्ट ऑप्शनल, ज्योग्राफी सेकेंड ऑप्शनल है। इकोनॉमिक्स इंटरेस्ट का सब्जेक्ट रहा है, ग्रेजुएशन में भी रहा है मेरा, ठीक है। ज्योग्राफी पढ़ाता नहीं हूँ मैं, ठीक है, ये मैं बता दूँ, बिल्कुल नहीं पढ़ाता है। इकोनॉमिक्स तो पढ़ाता हूँ, हाँ। ज्योग्राफी से नफरत है मुझे थोड़ा, क्योंकि उसी की वजह से फेल हुआ मैं, ठीक है। इसलिए इसलिए कोई अगर कहता है ना पढ़ाने के लिए, तो मैं एक कहानी सुना देता हूँ। इसकी वजह से फेल हुआ, इसलिए इसको कभी नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्योंकि इसमें नंबर किसी साल 20-25 ज़्यादा आ जाता ना, क्योंकि हिस्ट्री में नंबर आ जाते थे, इसमें नहीं आते थे। मेहनत सबसे ज़्यादा इसी में करता भी था मैं, मेहनत के बाद भी नहीं आता था इसमें, ठीक है। इंटरेस्ट की वजह से ले लिया था शुरू में, किसी टीचर ने पढ़ा दिया, इंटरेस्ट आ गया तो ले लिया, और इंटरेस्ट बोझ बन गया मेरे ऊपर। और एक बार बोझ बन गया तो छोड़ते हुए भी नहीं छोड़ पाया मैं। हर साल ट्राई करता था कि छोड़ दिया जाए, दूसरा सब्जेक्ट ले लिया जाए, काश कि एक बार साहस दिखा देता, ठीक है। साहस एक बार दिखा देता, क्योंकि साहस की बात है ना, कई साल से तैयारी कर रहा हूँ उसको, मैं सब्जेक्ट को पढ़ रहा हूँ, तो दूसरा सब्जेक्ट लेने में लगेगा ना कि हाँ, फिर नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी। उस वजह से उसको छोड़ नहीं पाया कि इस बार थोड़ा और मेहनत करते हैं, और के चक्कर में कभी नंबर ही नहीं आया। सबसे ज्यादा मेहनत हिस्ट्री में तो मैं, मतलब पूरे मेंस पीरियड में 10-15 दिन पढ़ता था, ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ता था मैं। और ज्योग्राफी मैक्सिमम मेहनत, लेकिन नहीं मिला कभी, ठीक है। तो अब क्या करें, उसी में है, इसलिए ही पढ़ाता। बाकी इसका इस्तेमाल ज्ञान का जरूर करता हूँ, ठीक है। दो थ्योरी इसमें है, सडन ओरिजिन में, एक तो फॉरेन ओरिजिन थ्योरी, फॉरेन ओरिजिन थ्योरी, और दूसरा है आर्यन ओरिजिन थ्योरी। ग्रेजुअल ओरिजिन थ्योरी बेसिकली इंडिजीनियस थ्योरी है, देसी उत्पत्ति का सिद्धांत है, ठीक है। इसको बल्कि एक लाइन में लिख लिया जाए, इंडिजीनियस, इन किसी विदेशी लोगों द्वारा नहीं बसाया गया है। इंडिजीनियस ओरिजिन थ्योरी से रिलेट करता है ये। तो विश्व की सबसे महानतम सभ्यताओं में से एक रहा है हड़प्पा सभ्यता, और ये सिविलाइजेशन न केवल विश्व की बल्कि भारत के इतिहास में, भारत ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक रहा है। 1400 से अधिक साइट्स को खोजा जा चुका है, और बहुत सारे डिस्कवर भी किए जा चुके हैं, एक्सकवेट भी किए जा चुके हैं। 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में सभ्यता लगभग फैली थी, और बहुत लंबे समय तक इसको, बहुत सारे साइट्स को एक्सकेवेट किया गया। विवाद क्यों है आखिरकार इसके ओरिजिन को लेकर के, कुछ ऑथेंटिसिटी के साथ हम क्यों नहीं कह पाते। इसमें दो कारण इसके दिए गए हैं विवाद के। पहला कारण है कि जो भी साइट्स एक्सकेवेट हुए इसमें हैं, वो साइट्स अपने मेच्योर एज में दिखते हैं, मेच्योर का मतलब अर्बन एज में, जबकि कोई भी शहर जो है डायरेक्टली अर्बन एज में नहीं बसेगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम प्लान करके बसाते हैं तो पहले छोटा सा शहर बसेगा, लेकिन ये एक ठीक ठाक जनसंख्या वाले शहर थे, जिसकी जनसंख्या उस समय की पॉपुलेशन के हिसाब से 5 से 6 हजार रही होगी, और ठीक ठाक वेल प्लान्ड सिटी था ये, अपने मेच्योर एज में नजर आता है। जबकि कहीं से भी एकदम मेच्योर एज में आने के लिए पहले इसका ग्रेजुअल डेवलपमेंट, इसका बैकग्राउंड होना चाहिए, क्योंकि पहले गाँव था, छोटी छोटी कम्युनिटीज थे, फिर गाँव हुआ, फिर धीरे धीरे शहर में बदल गए, उसमें एक लंबा प्रोसेस रहा होगा, और 5 हजार से 6 हजार वर्ष का समय लगा होगा इसके बदलने में। ऐसा नहीं है कि तुरंत बदल गया होगा, ठीक है। अब जैसे रांची कभी इतना बड़ा शहर नहीं, कभी छोटा भी रहा होगा ये, कभी और भी छोटा रहा होगा, ठीक है। तो ये धीरे 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 करके इतना हुआ, और आगे देखेंगे और बड़ा हो जाएगा ये, क्योंकि मैक्सिमम लोग जब माइग्रेट करेंगे और इसकी अपनी जनसंख्या भी ओवरऑल ग्रेजुअली डेवलप होगी, तो अपने आप में शहर बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है।
और अर्बन स्प्रॉल उसको कहा जाता है, एक शब्द यूज किया था अर्बन स्प्रॉल ज्योग्राफी में, ठीक है, यानी अर्बन क्षेत्र का विस्तार। तो जब जब जनसंख्या बढ़ती है तो बाहर की तरफ फैलता चला जाता है, जैसे दिल्ली देख लें आप लोग, दिल्ली 7 दिल्ली से मिलकर बनी है। आपको लगता है ना दिल्ली एक बार नहीं बसी है, 7 बार दिल्ली बसाई गई है, और 7 अलग अलग समय में 7 अलग अलग लोगों ने इसे बसाया है। कुछ नाम बताएंगे आप लोग 7 दिल्ली?